ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स विद एजेस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीन जो है वो सॉलिड क्यूब्स है, मेटालिक मेटल के सॉलिड क्यूब्स है, मीन स्क्वेयर शेप्स। हमारे पास क्यूब्स हैं 3, जिनकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। क्या किया गया, हमारे पास मेटल के 3 सॉलिड क्यूब्स थे जिनकी लेंथ ये थी, उन तीनों सॉलिड क्यूब्स को हम लोगों ने मेल्ट किया और उनको एक नए, उन तीनों के यूज से हम लोगों ने एक नया सॉलिड क्यूब बनाया है। ठीक है, तो अब वो जो नया सॉलिड क्यूब बना है, हम लोगों ने उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और सर्फेस एरिया भी फाइंड आउट करनी है उस न्यू क्यूब की। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि हमारे पास 3 सॉलिड क्यूब्स थे छोटे छोटे मेटल के, हमने उन तीनों को मेल्ट कर दिया और दोबारा एक बड़ा क्यूब बनाया उन तीनों की हेल्प से। तो हम लोगों ने वो जो न्यू हमारे पास क्यूब बना उसकी, उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट मेटल की लेंथ क्या थी, 3 सेंटीमीटर, सेकंड की थी 4 सेंटीमीटर, थर्ड वन की थी 5 सेंटीमीटर। पहले हम इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करके हम उनको प्लस करें, ताकि हमारे पास न्यू वाला जो सॉलिड क्यूब है उसका वॉल्यूम आ जाए। अब आप ये देखो, जाहिर बात है वो जो हम लोग न्यू वाले का वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो न्यू वाला हमारे पास क्यूब बना है वो उन तीनों की हेल्प से बना है ना, उन तीनों को मिला के, मीन्स कि उन तीनों को ऐड किया है। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू क्यूब बना है, तो मीन्स कि हम उन तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उन तीनों वॉल्यूम्स को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जो एक हमने न्यू क्यूब बनाया उसका वॉल्यूम। इसी तरह सरफेस एरिया पहले उन तीनों का फाइंड आउट करेंगे, जब तीनों का सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा न्यू क्यूब है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। सिंपली ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले हम V1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्यूब फाइंड आउट करेंगे, L1 मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L1। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड क्यूब था, क्यूब मीन्स कि स्क्वायर था, तो इसका फॉर्मूला अगेन हमारे पास वही आ रहा है, L का क्यूब। अब यहाँ पे ये मैंने L1 किस लिए लगाया, ये इसलिए लगाया है कि आपके सारे ना जो लेंथ्स हैं वो मिल ना जाएं। देखें L1 क्यों है कि ये फर्स्ट वाले जो हमारा मेटालिक क्यूब है उसकी लेंथ है, L2 क्यों है ये हमारा सेकंड वाले मेटालिक लेंथ की क्यूब है, और जो थर्ड वन है ये हमारे पास थर्ड वाले मेटालिक क्यूब की लेंथ है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए L1, L2 और L3 से रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्यूब निकालेंगे तो मीन्स L1 है ना फर्स्ट वाला, तो उसकी तीनों आइड्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा L1 का क्यूब। जब L1 का क्यूब है मीन्स कि L1 मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L1। L1 हमारे पास क्या था, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड क्यूब निकालेंगे, L2 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L2 विच इज इक्वल्स टू L2 का क्यूब। ये हम लोगों ने फॉर्मूला से याद किए थे ना, जो भी होगा उसका क्यूब होगा। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास L का क्यूब था, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंट क्यूब्स हैं, तो वो पहले वाले का L1 क्यूब, दूसरे का L2 क्यूब और थर्ड वन का L3 क्यूब। हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों को फाइंड आउट कर लिया। पहला आ गया 27।